हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। आज हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 के वन लाइनर्स देखेंगे। ये वन लाइनर्स का पार्ट 3 है। चैप्टर का नेम है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, शैल लुढ़क कर कट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिन्हें अवसाद कहते हैं। शैल के बारे में प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें शैल के बारे में, शैल कितने प्रकार की होती है, डिटेल में दिया है। तो जब ये शैल टूट जाती है, कट जाती है, तो ये धीरे धीरे अवसाद के रूप में जमा होने लग जाती है। अवसाद दबकर शैल की परत बना लेते हैं। अभी अवसाद जो है एक दूसरे के ऊपर दबते जाते हैं, जमा होते जाते हैं और परत दर परत एक शैल के रूप में निर्मित हो जाते हैं। इस प्रकार बनी हुई शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। नेक्स्ट है, आग्नेय व अवसादी शैल उच्च ताप व दाब के कारण कायांतरित शैल में परिवर्तित हो जाती हैं। जो आग्नेय शैल होती हैं, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, और अवसादी शैल जो कि अवसादों से बनी है, इनका जब तापमान बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है एक दूसरे के ऊपर दब दब करके परत दर परत बनते बनते, तो ये मॉडिफाई हो जाती है या अपने रूप को परिवर्तित कर लेती है और कायांतरित शैल कहलाती है। कायांतरित का मतलब होता है काया को परिवर्तित कर देना। तो इस प्रकार बनी शैल कायांतरित शैल कहलाती है। जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तित हो जाती है और चूना संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है, किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे शैल में परिवर्तित हो जाती है, इसे शैल चक्र कहते हैं। यानी कि एक समय के बाद जो शैल है विभिन्न प्रकार की, चाहे वो आग्नेय शैल हो चाहे वो अवसादी शैल हो, वो तापमान बढ़ने के कारण, दबाव बढ़ने के कारण दूसरे शैल में परिवर्तित हो जाती है। जैसे आग्नेय शैल है, उसमें तापमान बढ़ा, दबाव बढ़ा, परतें बढ़ी, तो वो अवसादी शैल बन गई, कट कर, टूट कर, लुढ़क कर। फिर धीरे धीरे एक समय बाद ये दोनों शैल अपने आप को रूप को परिवर्तित करके कायांतरित शैल में बदल गई, फिर कायांतरित शैल फिर से आग्नेय शैल में बदल गई, फिर आग्नेय शैल अवसादी शैल में, और फिर अवसादी शैल कायांतरित में। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र को शैल चक्र कहते हैं। लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना, ये पूछा जा सकता है कि लाल किला में कौन से पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, या क्योंकि यहाँ पे हम शैल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए याद रखना है कि लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। फिर है, शैल विभिन्न खनिजों की बनी होती है। शैल किससे बनी होती है? खनिजों से बनी होती है, क्योंकि जो भी शैल की जो परतें होती है, जो अवसाद होती है, जो भी मिट्टी होते हैं या जो भी खनिज पाए जाते हैं हमारी मिट्टी के अंदर, वो जब परत दर परत एक शैल का निर्माण होता है, तो वो खनिज शैल में भी आ जाते हैं। खनिज क्या होते हैं? तो खनिज वे पदार्थ होते हैं जिनका एक निश्चित भौतिक गुणधर्म व रासायनिक मिश्रण होता है। निश्चित भौतिक गुणधर्म का मतलब कि उन खनिजों को देख करके या उनको चेक करके ये बताया जा सकता है कि इसकी क्वालिटीज़ क्या है, इसकी फिजिकल क्वालिटीज़ क्या है। जैसे सोना है तो हम सोने को कैसे पहचान सकते हैं, चांदी है तो चांदी को कैसे पहचान सकते हैं। तो उनकी एक निश्चित पहचान होती है, एक निश्चित भौतिक गुण होता है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सोना है या ये चांदी है। इसके अलावा इनका एक निश्चित मिश्रण भी होता है खनिजों का, कि हम बता सकते हैं इसमें किस चीज़ की कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा फॉस्फोरस की है, कितनी मात्रा ग्रेनाइट की है, इस तरह से। तो खनिजों का निश्चित भौतिक गुणधर्म और रासायनिक मिश्रण होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, शैलों की परतों में दबे जीवों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। जीव कोई भी हो सकते हैं, जैसे मृत पौधे होते हैं, पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं, सड़ जाती हैं, मिट्टी में दब जाती हैं और उसी में गल जाती हैं। बहुत सारे जीव होते हैं, छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, मृत हो जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं, शैलों में दब जाते हैं, तो कुछ समय बाद ये फॉसिल्स के रूप में, यानी कि जीवाश्म के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर है मेटामॉर्फिक, ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फोस से बना है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। मेटामॉर्फिक ग्रीक भाषा के मेटामॉर्फोस से बना है। मेटामॉर्फोस का मतलब क्या होता है? रूप परिवर्तन। मेटामॉर्फिक या मेटामॉर्फोस वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर एक वस्तु अपना रूप परिवर्तित करके दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं, नागफनी का पौधा। ये अधिकतर रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। रेगिस्तानी इलाके में क्योंकि पानी बहुत कम बरसता है या बहुत कम बारिश होती है, तो पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ करके कांटों का रूप ले लेती हैं। तो नागफनी में जो कांटे होते हैं वो असल में पत्तियाँ ही होती हैं, परंतु पानी की कमी के कारण और ट्रांसपिरेशन यानी कि वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए वो जो पत्तियां होती हैं नागफनी की, वो सिकुड़ करके कांटे का रूप ले लेती हैं। तो वो मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, यानी कि रूप परिवर्तित पत्तियां होती हैं जो कि कांटों का रूप ले लेती है। तो ये मेटामॉर्फोसिस का बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो आज हमने ये 10 वन लाइनर कंप्लीट किए। इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। कल हम चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट करेंगे और उसमें सारे इंपॉर्टेंट जो लाइंस हैं, क्वेश्चंस हैं, वो कवर करेंगे। अगर आप केवीएस पीआरटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में पीआरटी टीजीटी सुपर टेट से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।